आओ बनाए पासा, एक गतिविधि करते हैं और गतिविधि के माध्यम से एक पासा बनाएंगे। जैसे कि आपकी गणित की पुस्तक, गणित का जादू पुस्तक में पेज नंबर 50 और 51 पर गतिविधि दी गई है। देखो ये एक पासा बनाया गया है, इसे आप खेल सकते हैं ऐसे इस प्रकार से। इसको कैसे बनाया, देखो एक सीट है, इस गत्ते को हम काट कर, इस स्केच को काट कर बनाएंगे। ये A4 शीट ली है मैंने, क्या करेंगे इसको लंबाई की तरफ से तीन को हम तीन तहों में मोड़ेंगे, दो बार फोल्ड करेंगे, एक और ये दो, ये तीन हमारे बन गए हैं, एक दो तीन। दूसरी साइड से इसको हम चार बार में फोल्ड मोड़ेंगे, बीचों बीच एक बार मोड़ा। अब इसको यहाँ से फिर दूसरी बार ये मोड़ लिया, बिल्कुल किनारे से किनारे में आते हुए आधा हिस्सा करना है, एक बार आधा करना है, दूसरी बार आधे का भी। इसको आप प्रेस कर देंगे अच्छे से ताकि ये लाइनें आपकी बन जाए। देखो इस प्रकार से आपकी सीट एक तैयार है। इसको थोड़ा फोल्ड कर, इसको थोड़ा मजबूत कर देंगे ताकि ये लाइनें हमारी पक्की आ जाएं। अब इस प्रकार से ये देखो, ये आपका बीच वाला, इसे तो चारों बनेंगे। अब इधर से भी आप एक रखिए, इधर से भी एक रखिए, आपकी मर्जी है। इसमें 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 किसी में से एक रख लीजिए, मैं एक रख रहा हूँ, मैं तीनों को हटा दूंगा, अब एक रखूंगा इसको, या कैंची से आप ऐसे काट सकते हैं। फालतू का है ना ये, क्योंकि हम छह तलों से एक बॉक्स तैयार बनता है, आप सभी जानते ही हैं। जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसका भी एक रखना है ना, ये दो एक्स्ट्रा पार्ट ये हटा देंगे। आपकी मर्जी है, आप कोई भी एक रख सकते हैं। अगर आपने इनके ढक्कन लगाने हैं तो ढक्कन के लिए थोड़ी थोड़ी आप वो भी कर सकते हैं, ये कोई काट दिया। इसी प्रकार इधर से भी चाहे मर्जी आप कोई एक रख ली, मैं ये रख रहा हूँ, ये तीन मैं साफ कर देता हूँ, काट देता हूँ कैंची से। आप इनको स्केल की सहायता से भी ऐसे करके और ऐसे प्रेस करके स्केल की सहायता से भी ऐसे काट सकते हैं। अब देखो ये इस प्रकार से आपके पास तैयार है। और हमने सीट को काट कर एक ये छह तल वाला घन बनाने के लिए हम तैयार हैं। अब इसको हम धीरे धीरे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करते समय आप पहले इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं और साथ साथ आप टेप लगा देंगे। जैसे इसको ऐसे फोल्ड किया और साथ में ही कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से इसको टेप ली थोड़ी सी, और उसके यहाँ फोल्ड किया और एक टेप लगा दिया इस तरह से, यहाँ से भी इस तरह, इधर भी इसको किया ऐसे, और ये थोड़ी टेप काटी और ये दोनों तरफ लगाते हैं। इस प्रकार से बन गया आपका। अब ये फल्ली है, इसके भी इधर से हम टेप लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, इसको यहाँ से करते हुए ऐसे टेप लग गई, इधर भी लगा दो तो छोटी सी ताकि ये अंदर ना जाए, टेपों से चिपका रहेगा फिर ये। अब ये ऊपर से खुला, इसको यहाँ से बंद करके यहाँ से भी हम टेप लगा देंगे, ये लगी, और यहाँ से भी ये इस प्रकार से। इस प्रकार से आपके पास ये बंद एक बॉक्स बिल्कुल तैयार है। इसे खेलेंगे कैसे, इसके ऊपर हम स्केच से नंबर लगा सकते हैं। ने एक क्यूब तो बनाना सीख ही लिया है, अब हम इसको लूडो गेम के पासे के रूप में इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमने एक लिखा है, इसकी दूसरी साइड हम छह लिखेंगे, क्योंकि जो आमने सामने का हमारा जो जोड़ होता है वो सात होता है। तो यहाँ पे एक लिखा है तो इसकी दूसरी साइड हम छह लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ये एक दो तीन चार पांच और ये छह। अब हमारा छह तक हो गया। अब हम एक साइड तीन लिखेंगे, एक दो तीन, इसके दूसरी साइड हमारा चार आएगा, हमारी दो साइड बच गई, यहाँ पे दो आएगा, इसके पीछे वाली साइड पे पांच आएगा। इस प्रकार से आपका लूडो का डाइस तैयार है, और आप इसके साथ खेल भी सकते हैं। एक बार देखिए इस प्रकार छः
तीन तीन।